नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य अनुराग जोशी वेदांत योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आज मैं एक क्रिया बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कपोल शक्ति विकासक क्रिया। ये बहुत अद्भुत क्रिया है, कई रोगों को दूर करने वाली है। ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बताई गई है। तो जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं तो साथ में 2 से 3 मिनट, बस कितना समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ये करेंगे, इतना अद्भुत लाभ मिलेगा। ठीक है, और कौन नहीं चाहता कि मैं यंग दिखूं, जवान दिखूं। ठीक है, तो ये अभ्यास से जो है ना, आप शरीर से कम दिखेंगे, यानी उम्र से कम दिखेंगे, और चेहरे पे बहुत रौनक आएगी। गाल आपको जो होंगे वो टोनअप हो जाएंगे, चेहरे पे जो झुरियाँ होगी गालों पे वो धीरे 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 गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो बताने जा रहा हूँ टेक्निक किस तरह करना। देखिए, पहले तो मेट पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी। इसमें जो श्वास की लेने की जो क्रिया है वो मुंह से लेनी है, और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है वो नासिका द्वारा छोड़नी है। ठीक है, करके देखते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और दोनों अंगूठे से नाक को बंद करना है, और इसमें जो मुख का जो आकार है वो कौवे की चोंच की तरह हमें बनाना है, और मुंह से श्वास लेना है और जल्दी से लेना है, यानी स्पीड से। इस तरह देखेंगे, श्वास लेने के बाद जब आपकी श्वास लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाए तब गालों को फुला लेना है। ठीक है, फिर करके दिखा रहा हूं। नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालना है, श्वास लेना है मुख से। ठीक है, और मुख जब श्वास आप भर जाए, अंतकुंभ करना है, जलंधर बंद करना है। जब तक आपकी श्वास रोकने की क्षमता है तब तक आप कुंभ करेंगे, उसके बाद गर्दन को सीधे करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, धीरे धीरे। और आंखें इस क्रिया के दरमियान आपको खोल के ही रखनी है। फिर से एक बार करके दिखा रहा हूं। नाक अच्छी तरह बंद करेंगे, ठीक है, इस तरह करना अभ्यास। यह अभ्यास कम से कम 5 बार करेंगे, और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 बार, वो भी कब, जब आप 1 साल लगातार कर रहे हो तब। ठीक है, ये बहुत अद्भुत क्रिया है। आइए अब इसके लाभ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला, गालों में चमक बनी रहती है, उभरे रहते हैं, टोनअप के कारण झुरिया नहीं पड़ती है, आप उम्र से कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, इसमें नाक से श्वास निकालते हैं जिससे दोनों स्वर खुल जाते हैं, कपालभाति की प्रक्रिया होती है, मस्तिष्क के दोनों भाग संतुलित होते हैं। तीसरा, इसमें ईएनटी की समस्या दूर होती है, नाक कान आंख के रोग दूर होते हैं। चौथा, कुंभक के कारण हृदय बहुत मजबूत होता है, ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करने से शरीर के अंदर फुर्ती, ताजगी और उत्साह बना रहता है। पांचवा, दांतों और मसूड़ों के रोग में बहुत लाभ मिलता है, चित्तकारी प्राणायाम के सभी लाभ मिलते हैं। छठा, इससे थायराइड ग्रंथि संतुलित होती है, सभी तरह के रोग दूर होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। सातवां, कपोल शक्ति विकासक महिलाओं के लिए अमृत के समान है, मासिक धर्म में जो जो गड़बड़ी होती है ना उसे ठीक होती है, सभी तरह के विकार दूर होते हैं। धन्यवाद।